सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में लें। कलर को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये सफ़ेद चांदी के रंग का होता है, यानी कि वाइट सिल्वरी कलर। इसे धूप में थोड़ी देर के लिए रख दें तो ये ग्रे कलर में बदल जाएगा, क्योंकि क्लोरीन इससे अब बाहर निकल जाता है और सिर्फ सिल्वर ही रह जाता है। तो इस तरह का रिएक्शन जब किसी एक कंपाउंड को हीट दे करके उसको उसके कंपोनेंट में तोड़ देते हैं तो इसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन हुआ, AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स Ag+Cl2। AgCl में सिल्वर की वैलेंसी +1 और क्लोराइड की वैलेंसी -1 होगी, इसलिए इसे हम AgCl ही लिखेंगे। प्रोडक्ट साइड में Ag एक मोनोएटॉमिक एटम है, इसलिए Ag लिखेंगे, और Cl2 एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको Cl2 लिखेंगे। अब चूंकि प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन के 2 एटम हैं, तो रिएक्टेंट साइड में भी हमको क्लोरीन के 2 एटम चाहिए, लेकिन AgCl के स्ट्रक्चर में तो कोई हम चेंज कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग 2 AgCl के मॉलिक्यूल ले लेंगे। तो नाउ इट इज़ 2 AgCl गिव्स Ag+Cl2। लेकिन अब सिल्वर को भी तो बैलेंस करना है, तो अब हम क्या करेंगे, सिल्वर एक मोनाटॉमिक है, इसलिए Ag2 तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम 2 सिल्वर के एटम ले लेते हैं, दैट इज़ 2 Ag। सो नाउ द ओवरऑल रिएक्शन इज 2 AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स 2 Ag+Cl2। क्या आप इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड के रिएक्शन को आप लिख सकते हैं? तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि व्हाट हैपेंड व्हेन वी डिकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड।